लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में पूरी तरह से जुट गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की 19 जनवरी को मुलाकात हुई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें देने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने 80 में से 20 सीटों का अंतिम फॉर्मूला रखा तो आरएलडी ने पहले ही 8 सीटों का नाम दिया था, लेकिन दोनों नेताओं के मुलाकात के बाद जानकारी सामने आई कि आरएलडी से 7 सीटों पर बात बन गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि आरएलडी ने गठबंधन के तहत 8 सीटों की मांग की थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी यह कहती है कि 7 सीटों पर ही सहमति बनी। आपको बता दें 2019 में सपा बसपा गठबंधन के हिस्से के रूप में आरएलडी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन आरएलडी सभी सीटों पर बीजेपी से हार गई थी और उसे 1.69% वोट ही मिला था। आरएलडी ने पिछले साल के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटों में से 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2.85% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। खतौली उपचुनाव में एक जीत के साथ इसकी संख्या 9 हो गई। यूपी की लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच 3 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकल सका है। अब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव बैठक कर फाइनल फॉर्मूला तय करेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग में सबसे बड़ी अड़चन जीतने की क्षमता के मापदंड को लेकर हो रही है। सपा ने शर्त रखी है कि सीट के साथ उतरने वाले कैंडिडेट के नाम और उसमें जीतने के मानदंड भी बताए जाएं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने 2024 में चुनाव लड़ने वाली अपनी 8 सीटों के नाम सपा को सौंपे थे, जिस पर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले संभावित कैंडिडेट के नाम मांगे थे। इसके अलावा सपा ने यह भी कहा कि कैंडिडेट के साथ उनके जीत के मापदंड भी बताए जाएं। इसी तरह सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ हुई तीसरी बैठक में सपा ने ही अपनी शर्त रखी है। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि 7 सीटों को लेकर सपा और आरएलडी में बात बन चुकी है। बुधवार को कांग्रेस और सपा के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बात पर सहमति जताई जा रही थी कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी ये अभी तय करना बाकी है। सपा के इस मापदंड फॉर्मूले के चलते ही शीर्ष नेतृत्व के पाले में सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो डाल दी गई थी। सीट शेयरिंग को लेकर पहले राउंड की जो बैठक थी उसमें INDIA गठबंधन के बीच औपचारिक बैठक हुई थी। कांग्रेस को 2024 में किन सीटों पर चुनाव लड़ना है उसका प्रस्ताव सपा नेताओं को सौंपा गया था। सपा नेताओं ने सीट शेयरिंग का अपना फॉर्मूला कांग्रेस को दिया था। इसी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी सीटों को लेकर एक दूसरे के मन को टटोलने का काम किया था। अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में आरएलडी और कांग्रेस को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जहां पर भी कांग्रेस और आरएलडी को चुनाव लड़ना है उन सीटों पर दोनों ही पार्टी से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति और अच्छा समीकरण दिखाना है उन्हें, उसी को टिकट दिया जाएगा जिसका समीकरण सही दिखाई पड़ेगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी 8 सीटों की मांग करते हुए दिखाई पड़े थे। ये सीटें पश्चिमी यूपी की हैं जिनके नाम आरएलडी की तरफ से सौंपे गए थे। उनमें बागपत की, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना की सीटें थी। इसके अलावा अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी की भी सीट उन्होंने विकल्प के तौर पर मांगी थी। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक में एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दोनों ही दलों के बीच सीटों की संख्या पर चर्चा हुई। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, सीटों की सूची पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। दोनों पार्टियों ने फिर से मिलने और सीटों पर बातचीत करने का फैसला किया है, लेकिन कोई फाइनल हल अब तक नहीं निकला है। ऐसे में आरएलडी का सपा के साथ पहले से गठबंधन, जिसके चलते आरएलडी के प्रमुख पर या आरएलडी के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं बन पाए, ये एक बड़ी चुनौती INDIA गठबंधन के सामने होगी, या यूं कहें कि कांग्रेस के सामने होगी। अब सपा और आरएलडी के नेताओं से मुलाकात कर 7 सीटों पर सहमति बनी है। देखना यह है कि कांग्रेस की डिमांड कितनी पूरी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चुनौती INDIA गठबंधन में उत्तर प्रदेश में ही दिखाई पड़ती है। बंगाल भी इसी श्रेणी में है। बंगाल और यूपी वो दो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा चुनौती कांग्रेस के लिए भी है और गठबंधन के लिए भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।